हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज की हमारी रेसिपी है मज़ेदार चिकन रिंग्स बनाने की। इसे हम बहुत इजी मेथड के साथ बनाने वाले हैं, तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चिकन रिंग्स बनाने के लिए हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेकर अच्छे से वॉश करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये हमने दो मीडियम साइज के उबले और कटे हुए आलू लिए हैं, ये डाल देंगे। एक मीडियम साइज की रफली कटी हुई प्याज है, ये डाल देंगे। और ये हमने 10 लहसुन के जवे लिए हैं, ये भी डाल देंगे। एक टेबलस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, एक टेबलस्पून या फिर टेस्ट के मुताबिक नमक, एक टेबलस्पून चिली फ्लेक्स या फिर इसकी जगह आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 4 टेबलस्पून के करीब हमने कटा हुआ हरा धनिया लिया है, ये डाल देंगे। 3 से 4 रफली कटी हुई हरी मिर्च है और थोड़े से हमने फ्रेश पुदीने के पत्ते लिए हैं। अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इन सभी चीजों को ग्राइंड करने के लिए हमने फूड प्रोसेसर ले लिया है, इसमें ये सभी चीजें डालकर ग्राइंड कर लेंगे। और अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप मिक्सी के बड़े वाले जार में डालकर ये सभी चीजें ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए, चिकन सभी मसालों के साथ अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डाल देंगे, ये चिकन रिंग्स को शेप देने में हेल्प करेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप ब्रेड के 2 स्लाइसेस इसमें तोड़कर डाल सकते हैं। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद 10 सेकंड के लिए इसे दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, ब्रेड क्रम्स सभी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं, मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब इस मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये सभी मिक्सचर हमने एक बाउल में रख लिया है, ये रेडी हो चुका है रिंग्स बनाने के लिए। आप रिंग्स को हाथ पे ऑयल लगाकर गोल करके भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम ये चिकन रिंग्स बहुत आसान तरीके से बनाना बताएंगे। इस तरीके से बनाने से आपका टाइम भी कम लगेगा और रिंग्स की शेप भी प्रॉपर आएगी। तो ये हमने एक प्लास्टिक बैग ले लिया है, या अगर आपके पास कोई जिप लॉक बैग है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह के बैग तो सभी के घर में होते हैं, कपड़े वगैरह पैक होकर आते हैं जिसमें, बस उसी बैग को हमने धोकर सुखा लिया था। इसे आप फोल्ड करके कोन भी बना सकते हैं, या फिर इसे ऊपर की साइड जो खुली हुई होती है उधर से हम थोड़ा सा काट कर छोटा कर लेंगे। तो ये देखिए, कोन की शेप आ जाएगी। और अब हम इसे किसी चौड़े मुंह वाले जग या बाउल में रखेंगे, अंदर से इस पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने से मिक्सचर इस पे चिपकेगा नहीं और स्मूथली बाहर की साइड निकलेगा। अब इसके अंदर हम मिक्सचर डालेंगे, जितना एक बार में आसानी से आ जाए उतना ही मिक्सचर डालना है, जो बचेगा उसे हम बाद में डालेंगे। अब इस पॉलीथीन बैग को हम हाथ से उठाएंगे और ऊपर की साइड से अच्छे से मोड़कर बंद कर लेंगे और इस पॉइंट को हम बाद में काटेंगे। अब रिंग्स बनाने के लिए कोई भी ट्रे ले लेंगे, उसके अंदर बटर पेपर रखेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो रख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस ट्रे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लीजिए ताकि रिंग्स चिपके नहीं। अब ये जो हमारी मिक्सचर भरी हुई कोन है उसका ये पॉइंट थोड़ा सा काट लेंगे। अब हम ये चिकन रिंग्स बनाना शुरू करेंगे। मिक्सचर को हाथ से हल्का हल्का दबाते हुए इस तरह गोलाई में इस मिक्सचर को रिंग की शेप देते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये रिंग्स बनकर तैयार हो रहे हैं और कितनी जल्दी बन रहे हैं। और अब बाद में चम्मच पर हल्का सा ऑयल लगाकर इनके जो ज्वाइंट है उनको प्लेन करके पक्का कर देंगे, ताकि फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं।
और अब इनको ढककर फ्रीजर में 2 घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि ये अभी सॉफ्ट हैं, थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, यानी अच्छे से सेट हो जाएंगे। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी सिंपल ट्रे लेकर उस पर ऑयल लगाकर इसी तरह से रिंग्स बना सकते हैं। ऑयल जरूर लगा लीजिए ताकि ये ट्रे पर चिपके नहीं। और बाद में चम्मच की मदद से इनके ज्वाइंट को पक्का कर लेंगे और इन्हें भी 2 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। अब नेक्स्ट चिकन रिंग्स की कोटिंग के लिए हमने एक बाउल में 2 अंडे लिए हैं। इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। नमक और काली मिर्च को मिक्स करते हुए अंडों को फेंट लेंगे और इन्हें साइड में रख देंगे। और ये हमने 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसकी जगह आप मैदा भी ले सकते हैं। और ये है थोड़े से ब्रेड क्रम्स। अब 2 घंटे के बाद हम चिकन रिंग्स को फ्रीजर से बाहर निकाल लेंगे, ये अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। तो सबसे पहले हम इस पर कॉर्नफ्लोर लगाएंगे। अब इसे अंडे के घोल में डिप करेंगे। इसके बाद हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद अब इसे एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से कोटिंग करते हुए सभी चिकन रिंग्स तैयार कर लेंगे। अब इन चिकन रिंग्स को हम डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए एक पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद हमने हीट को मीडियम कर लिया है। अब ये रिंग्स एक बार में जितने पीस आसानी से आ जाएं उतने ही डालकर फ्राई करेंगे। अब इनकी साइड चेंज करते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरह से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। इस वक्त फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। आंच को ज्यादा तेज नहीं करना है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। तीन से चार मिनट का टाइम लगा इन्हें दोनों तरफ से फ्राई होने में। अब ये बढ़िया से क्रिस्पी होकर फ्राई हो चुके हैं। इन्हें ऑयल से निकालकर एक स्ट्रेनर में रख लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब इन्हें एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे और बाकी के चिकन रिंग्स भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे सभी चिकन रिंग्स फ्राई हो चुके हैं। आप इन्हें अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।